नमस्कार किसान भाइयों, हम अक्सर ग्रीन हाउस को देखकर ये सोचते हैं कि ये अंदर से कैसे दिखते होंगे। तो किसान भाइयों, चलिए आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के एक ग्रीन हाउस के अंदर को जाके देखते हैं और ये देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, इनके अंदर कैसी कैसी सुविधाएँ होती है और फसल कैसे उगाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ग्रीन हाउस है। आप इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा इस वीडियो से ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं इसके अभी जस्ट गेट पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आपको इस पूरे ग्रीन हाउस का अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। और किसान भाइयों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बेड्स भी हैं जिनमें अब पौधे जाएंगे। अभी पहले फ़िलहाल ये बेड तैयार हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी गहराई और ये एकदम ऊपर तक मिट्टी और खनिज पदार्थ जैसे कि गोबर और अन्य खाद जो पौधों को सही मात्रा में और सही समय पे बढ़ने में सहायता देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पे आपके पास लैटरल्स भी हैं, यानी ये ड्रिप लाइंस है जिसकी मदद से बूंद बूंद करके पानी ज़मीन में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यारी बनाई हुई है जिसके सहारे पौधे को उगाए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ छोटे पौधे हैं जो अभी बस तैयार हुए हैं और अभी ये अपनी बीज से बाहर आए हैं। तो किसान भाइयों, ये था एक छोटा सा ग्रीन हाउस का टूर।